जय जोहर दोस्तों, मैं हूं प्रजाज सीजी टूरिस्ट गाइड और आज मैं आपको लेके आ गया हूं बिलासपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कुरी डैम। कुरी डैम अभी बरसात के मौसम में बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन रहा है और पर्यटकों की भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि आज कुरी डैम घुमाऊँ। तो कुरी डैम मैं आ गया हूँ, यहाँ तक उसका जो एरिया है फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा एरिया है और जैसे जाते हैं हम लोग तो पूरा पहाड़ी एरिया है। तो आपको मैं रास्ता बता देता हूँ, जैसे बिलासपुर से हम लोग कोटा आते हैं, कोटा से ये जो रास्ता है ये आया है, तो कोटा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस साइड लेकर ये कुरी डैम का नज़ारा दिखाता हूँ। तो बहुत कुछ है, आज मेरे साथ है लोकेश भाई JC243। और कुरी डैम बिलासपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर में मिल जाता है और ये बहुत ही बेस्ट पिकनिक स्पॉट है हमारे बिलासपुर वासियों के लिए। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से कहीं भी हैं और कुरी डैम देखना चाहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। और पास में ही यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक और बेहतरीन पिकनिक स्पॉट मिलेगा। क्या नाम है उसका? नागखोला वाटर। नागखोला भी आप जैसे जाना चाहते हैं तो वहाँ से घूम के आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है यहाँ से। और देख सकते हैं ये है कुरी डैम। कुरी डैम के अबूस साइड चलते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, बेहतरीन नज़ारा। अगर आप इस मौसम में घूमना पसंद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है घूमने के लिए। बरसात का मौसम शुरू हो गया और लबालब पूरा पानी जो है कुरी डैम को भर चुका है। तो देख सकते हैं पर्यटकों की भीड़ को बहुत ज़्यादा भी कुरी डैम को घूमना लोग पसंद कर रहे हैं, इतने टूरिस्ट लोग यहाँ आए होंगे। मैंने तो नहीं सोचा था कि अभी कुरी डैम में इतना लोग आए होंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है घूमने के लिए। तो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था और पूरे ब्लॉग में सुबह से जैसे मैंने निकला हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था और अभी तक बंद नहीं हुआ है, हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है। और देख सकते हैं कुरी डैम है और वर्क तो शुरू हो चुका है और लोग नहाने का जो मजा ले रहे हैं। तो आइए उन लोग से मैं रूबरू कराता हूँ आप लोग को, और बहुत लोग हैं जो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, तो चले चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको पानी के अंदर। तो देख सकते हैं अभी थोड़ा कम है, ये हम लोग आसानी से चल सकते हैं। गाड़ियाँ अभी धोएगा सकता है, अगर गाड़ी को धो देंगे। अगर आपको मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे मेरे।